सरकार का हिट एंड रन पर कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में वाहन चालकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हड़ताल का देशव्यापी असर दो दिन में ही देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से अब सभी जरूरतों का सामान के आयात निर्यात पर असर पड़ सकता है। यही सोचकर लोग इतना घबराए हुए हैं कि सबसे पहले लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर टूट पड़ी है। यहां तक कि आलू प्याज और बाहर से आने वाली सब्जियों और फलों को लोगों ने इकट्ठे मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। आज सुबह जब सोशल मीडिया पर लोगों के मोबाइल पर यह मैसेज वायरल होना शुरू हुआ कि प्रदेश में ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल के आयात पर फर्क पड़ेगा और पेट्रोल पंपों पर तिल खत्म हो जाएगा, इसी डर के चलते सुबह से ही झांसी जिले के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां तक कि लोग ट्रैक्टर पर टंकियां लेकर पेट्रोल और डीजल लेने पहुंच गए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल डलवाने वाले की भीड़ पंप से लेकर सड़कों तक लग गई है, जिससे कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई है। पहली तस्वीर झांसी शहर तो दूसरी मऊरानीपुर की है तो तीसरी तस्वीर बबीना की है, जहां भारी भीड़ पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। जब पुलिस को इस बात की जानकारी हुई तो अब पुलिस ने पेट्रोल पंप पर सुरक्षा बढ़ा दी है और अब पेट्रोल सिर्फ कार या वाहनों में पुलिस की निगरानी में डाला जा रहा है। फिलहाल इस बढ़ती समस्या से ये तो स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि यदि कानून में संशोधन की बात आगे बढ़ी तो समस्या फिर आम जनता के लिए नहीं बल्कि केंद्र की सरकार के लिए भी बढ़ जाएगी। भाई तुम्हारा मेरा नाम है जी सर। आज पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ भाड़ देखी जा रही, क्यों क्या हुआ है? भैया भीड़ इसलिए लगी है कि अभी जो गाड़ी वालों का वो चल रहा है चक्का जाम, गाड़ी वाले क्या है गाड़ी आ नहीं रही है वहाँ से, इसी चक्कर में इसलिए भीड़ बहुत लगी है गाड़ी के लिए तेल लगाने के लिए। कब तक चक्का जाम हटेगा, कब तेल आएगा, कब मिलेगा, इसलिए बहुत गाड़ियों खड़ी है, लोगों को लाइन पे लाइन लगी है गाड़ियों की। झांसी से विजय वर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। मेरे सभी बुंदेलखंडवासी प्रदेशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।